प्रोड्यूसर सर आपसे जानना चाहूंगा, दो पोस्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए कि क्या कुछ होने वाला है, एक तो वेब सीरीज एक सॉन्ग है, अगर बताएं आप कुछ दोनों के बारे में। एक्चुअली हमारा पहला प्रोजेक्ट है तो मैं प्रभु श्री राम के नाम से स्टार्ट करना चाह रहा था। प्लानिंग था वेब सीरीज़ का पहले, लेकिन हमने उसको पोस्टपोन करके पहले प्रभु का आराधना कर लें उसके बाद आगे काम स्टार्ट करूँ। तो हमारा पहला है राम की अयोध्या, इस पर हम काम कर रहे हैं और राम के आशीर्वाद के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और सर अगर बताएं आपकी कौन फीचर कर रहा है, कौन सिंगर होंगे सर? सिंगर हमारे प्रणव जी हैं, माधव जी उसमें सिंगर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, तो सारा काम माधव जी देख रहे हैं और उनके सपोर्ट में सारा प्रणव जी हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि सबसे पहले हम लोग गाने के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सा अगर गाने के बारे में बेटर आप बता पाए हमारी ओपिनियन। या डेफिनेटली सबसे पहले थैंक यू, आप सब आए इसके लिए शुक्रिया, क्योंकि आपके बिना और आप सबके बिना कुछ भी पूरा नहीं हो सकता। तो गाना बेसिकली अयोध्या के राम जो हैं, ये टाइटल ही सब कुछ बता देता है, ये टाइटल ही सब कुछ कह देता है कि क्या होगा। ये तो ये हमारे हिंदू सनातन धर्म के ऊपर है और अयोध्या के श्री राम में अयोध्या के बारे में बताया गया है और अभी वो चल रहा है हमारे सनातन धर्म को लेकर के, उसके बारे में है। रैप भी है, पूरा जोश भी है, युवा को प्रेरित करने वाली भी चीज़ है इसमें, तो सुनेगा जो को इसको मजा आएगा। सो एज अ म्यूजिक डायरेक्टर थोड़ा सा प्रेशर होता है जब आप किसी धार्मिक सॉन्ग के ऊपर करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों की भावनाएं हर्ट हो जाती है, इस चीज़ को लेके कितना ध्यान रखा गया है, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर कितना प्रेशर होगा उस चीज़ का? देखिए जो इसमें सच है वही कहा गया है और सनातन धर्म के हित में जो होना चाहिए वो सारी बातें कही गई है, किसी को ठेस पहुंचने वाला ऐसा उसमें कुछ नहीं रखा गया है, बस यही सोच के हमने उसको बनाया, प्रेशर हम लेते नहीं है। जी मैम आप सिंगर हैं, थोड़ा सा बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है, अगर सॉन्ग के बारे में थोड़ा सा बताइए कैसे ऑन बोर्ड आए। सबकी तालियों को बजाने पे मजबूर कर दिया और अच्छा लगा और आगे आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए इसको, इतना भी सपोर्ट चाहिए। ये दोनों एक वेब सीरीज है और एक डिवोशनल सॉन्ग है जो कि श्री राम जी को समर्पित है। जैसे कि शुरुआत कहते हैं हमेशा भगवान का नाम लेकर के किया जाता है, तो वो श्री राम का नाम लेकर के इसको शुरुआत किया जाएगा और इससे पहले मेरे टीसी से ऑलरेडी एज अ सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर गाने आए हैं, तो उसके बाद ये अयोध्या का राम जो है ये तूफान ही मचाने वाला है और जब तक हम ये चाह रहे हैं कि इनका आशीर्वाद जैसे आए उसके बाद ये हमारा सीरीज स्टार्ट हो जाएगा वेब सीरीज। और इस सीरीज को जो लिखा है एज अ राइटर बहुत ही टैलेंटेड प्रणव वत्स ने, और इस गाने में जो राइटर हैं वो है मीनाक्षी सार और बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, ज़बरदस्त लिखा है और उसको जो चार चांद से सजाया है प्रणव जी ने रैप डाल करके, वो रैप सिर्फ चार से आठ लाइन का है लेकिन रोंगटे खड़े कर देंगे गारंटी के साथ। प्रणव सर बहुत प्रतिभा के मालिक हैं, एक्टर भी हैं, गीतकार भी हैं, लेखक भी हैं, इसमें कितना प्रतिभा दिखाने का मौका मिला आपको इस प्रोजेक्ट की बात करें तो? मैं लिखता मतलब अपनी मतलब ईमानदारी से लिख लेता हूँ, बात चाहे गाने लिखने की हो चाहे कहानी कहने की, तो गाने तो बहुत टाइम से मैं लिखता आ रहा हूँ और रैपिंग ऐसा था कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, ये मुझे कभी ना कभी तो करना था, मतलब डिवोशनल में रैपिंग कभी मैंने किया नहीं था, तो
माधव जी ने ऐसा प्रस्ताव दिया और मैंने कुछ एक मिनट में ही कहा चलो करते हैं। बिल्कुल तो इन्होंने पहला झटका ये दिया कि करना है, फिर दूसरा झटका सुनिए क्या दिया। तो मैंने बोला देता हूँ आपको, दो तीन दिन में देता हूँ। कहते सुबह रिकॉर्डिंग है। इन्होंने यही बोला कि सुबह रिकॉर्डिंग है। मैंने बोला अच्छा, और मेरी रात को पार्टी थी तो मैं पार्टी वार्टी निपटा के आराम से 1 बजे रात को शुरू किया, आधे घंटे में उनको करके दे दिया और सुबह हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड लेकिन जैसे धार्मिक विषय है तो लेखक के तौर पर बहुत जिम्मेदारी होती है, जैसे आदि पुरुष में मनोज बंदुसर को बहुत आलोचना झेलनी पड़ी थी, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला आगे चल के। देखिए उसमें दो बातें हैं, अगर उस फिल्म पे अगर आप मुझे कनेक्ट करके कह रहे हैं तो उनके लिखे हुए सारे गाने कमाल हैं। मैं आदि पुरुष की बात कर रहा हूँ, कमाल है। शायद मैं भी ऑल्टरनेट कभी कभी सुन ही लेता हूँ। बात अगर फिल्म के संवाद की करें तो वो प्रोजेक्ट ही रॉन्ग है, तो उसके संवाद की क्या बात करना, गाने कमाल है। बात यहाँ गाने की हो रही है तो उनसे मेरी तुलना करना, मैं इसको मेरा सौभाग्य मानता हूँ। लेकिन कलाकार या कला के माध्यम से खुद के प्रोजेक्ट को चमकाने का जो आजकल ट्रेंड चला है, कि किसी भी लिमिटेशन को क्रॉस करते हैं, वो कहाँ तक गलत मानते हैं? मुझे लगता है काम अच्छा करना चाहिए, जो चीज़ चमकनी है चमक जाएगी, और जो चीज़ नकली है बनावटी है उसको कहाँ तक और कब तक चमकाइएगा। बिल्कुल सही बात, सही बात। इसका काम बहुत बेहतरीन हुआ है, अभी कल ही यशराज में डब हुआ है। अभी जिस गाने को पठान का गाना था, उसका जो गाना मिक्स करने वाले इंजीनियर, उन्होंने खुद रिकॉर्ड किया। बाजीराव मस्तानी जैसे गाने में रिदम और परकसनिस्ट पूरा म्यूज़िक का कवर जो करने वाला, जो इसको नाचने में मजबूर करते हैं, वो इंसान दीपेश शर्मा, उन्होंने खुद रिदम को पूरा अरेंज किया। वर्मा, हाँ दीपेश वर्मा, तो उन्होंने जो इतना बढ़िया काम किया, तो डेफिनेटली हमें पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये गाना हर बार की तरह अच्छा जाएगा। वेब सीरीज की क्या तैयारी है? वेब सीरीज की तैयारी अभी चल रही है, अभी हमारा सारा फोकस अयोध्या पे है। पहले प्रभु श्री राम को नमन कर लूँ, उसके बाद इसको आगे करेंगे। क्या कुछ दिखाई देंगे, क्या कुछ मैंने उसके लिए कब शूट करने वाले हैं? उसमें हमारा ग्राउंड वर्क ऑलमोस्ट तैयार है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम उस पर शूटिंग भी स्टार्ट करेंगे। इन अच्छी लव स्टोरी है, बहुत सारे टर्न है, ट्विस्ट है, मर्डर सस्पेंस है, काफ़ी कुछ है। एक जो पूरा मसाला होता है वो सब कुछ है उसमें। लेखनी के तौर पे जो बेहतर प्रयास कर सकता हूँ मैंने किया है, अब बाकी निर्देशक और कलाकार अपना काम करेंगे। मैं अभी पढ़ चली जब तक ऐसे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके आ सो मेरा नाम श्रेया नवीन है, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट होगा। सो मैं श्री राम वाले में नहीं हूँ, बट देन आई एम देयर इन वीडियो एल्बम जो माधव जी के साथ शूट होने वाला है, जो इन्होंने गाया है। या जिसमें वो दोनों सिंगर, बहुत अच्छा गाया है इन्होंने और मैंने एज ए मेल सिंगर गाया हुआ है उसमें, लीड में वो है और आगे का प्लानिंग भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। बेसिकली मेरा वर्क इज ये टू। और जवान की सफलता ने कितना ज्यादा बदल दिया है सिनेमा बिजनेस को, कभी सिंगल थिएटर में बिजनेस आ रहा है कतर के बाद से, तो वो कितना जरूरी है देखा जाए फिल्म उद्योग के हिसाब से? अरे मैं तो कहता हूँ हर फिल्म चलनी चाहिए, और मैं भले इस फिल्म मतलब मैं क्या, मेरे साथ और कई जो लोग होते हैं इस फिल्म का हिस्सा होते हैं, लेकिन मैं जब थिएटर के अंदर जाता हूँ तो एक दर्शक की तरह जाता हूँ, कोई उंगलीबाजी करने नहीं आता हूँ। मेरे पैसे और वक्त दोनों लगा के जाता हूँ, मेरा मनोरंजन हो रहा है या नहीं बस वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो जवान जैसी फिल्म और बननी चाहिए, कमाल कर दिया है और चलनी चाहिए फिल्म, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कलाकार तो मेहनत करते हैं जी, वो पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, कंट्रोवर्सी आ जाता है तो उसमें एक्चुअली कलाकारों की गलती है नहीं। रहती थी बट फिर एज आई टोल्ड मम्मा ने मुझे काफ़ी पुश किया इस चीज़ से लेके करो वापस से, एंड देन जब माधव जी के बारे में पता चला कि ही कैन हेल्प मी विद दिस, तो इनसे बात हुई, एंड देन जब इन्होंने सुना तो तब इन्होंने कहा कि ठीक है साथ में करते हैं एल्बम में। तूने मुझको
इंस्टाग्राम पर कुछ सॉन्ग बता देंगे इस गाने के बारे में। एक्चुअली हमने सोचा नहीं था कि इस टाइप का कुछ होने वाला है। जैसे कि हमारे बड़े भाई ने रंजन जी ने बताया, इसका प्लान नहीं था। ऊपर वाले का ये है कि बस वहाँ से दिमाग में आया कि ये करो, और सीरीज स्टार्ट होने से पहले ये रिकॉर्ड हो गया, तो अचानक से हुआ। और जिस तरह से भी इसका मामला आगे दिख रहा है, मुझे लगता है बहुत बड़े लेवल पर जाने वाला है। जी जी मैंने ही गाया है इसको, तो मैं इसको चाहता तो नहीं था, लेकिन एक लाइन में नहीं चोरी होगा। एक ही लाइन गाऊंगा। राम जी के पीछे पीछे, राम जी के पीछे पीछे, ला रा रा दा दा रा दा दा रा 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 दा रा दा दा रा 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 दा रा रा। श्री राम 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 श्री राम। थैंक यू। ये ज्यादा नहीं गा सकता इसलिए मैं इस गाने से कब से गाना करने वाले यार भैया। ये अयोध्या में शूट होने वाला है और बहुत जल्दी इसका स्टार्टिंग हो जाएगा, इसके नेक्स्ट वीक तक इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। गाना मैंने सुना है, बहुत अच्छा है, कमाल है, तभी तो मैंने तुरंत कहा कि चलो इस पर राइटिंग करते हैं। और निश्चित तौर पर बाकी बातें तो गाना अपनी भाषा बोलेगा जब गाना बाहर आएगा, तो और इंतज़ार कीजिए, बहुत अच्छा गाना बनाया, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। So honestly, I always wanted to be here, be a part of this industry. But कभी education and job को लेकर मैं दिल्ली से यहाँ आई थी अपनी job के लिए, then माधव जी आए यहाँ पे, and इसके होने से पहले I wasn't even prepared for this. एक रात पहले उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं, एंड क्योंकि ये हमारा अपना प्रोजेक्ट है घर का, सो आई डेफिनेटली साथ में करना चाहिए। तब मैंने कहा विदाउट इवन थिंकिंग फॉर अ सेकंड, आई लिटरली सेड यस आई विल डू इट। बट अभी म्यूज़िक प्रिपरेशन इज़ गोइंग ऑन, शो हमारा म्यूज़िक रिकॉर्ड हो चुका है, अ लॉट मोर इज़ देयर टू कम। एंड मेरा वर्क जैसे मैंने पहले बताया, अभी भी it's a lot which I have to prepare on my end, and so yeah, time here be. Okay sir, thanks sir. Producer director को मैं बहुत बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, और साथ साथ में इनके प्रोडक्शन के तहत बहुत सारी चीज़ें अभी और मार्केट में आने वाली है, जैसे वेब सीरीज भी बनने वाली है जिसके कलाकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जय श्री राम का नारा ऐसा पावन नारा है कि अगर आप थके हो, हारे हो, दुखी हो, डिप्रेस हो गए हो, किसी चीज़ से कुछ समझ भी नहीं आ रहा, तो आप एक बार दिल से बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, तकलीफ को कर देंगे फ्री राम, बोलते रहो जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैं समझता हूँ कि देखिए जय श्री राम बोलते ही मैडम भी हमसे जुड़ गई है, ये कितना नारे की एकता है, क्या बात है ना, भगवान देखता है, श्री राम देखता है कि नारे में एकता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अयोध्या में अभी जो रामलीला होने वाली है उसमें मैं भी जाने वाला हूँ, नारद का कैरेक्टर करने वाला हूँ, और रजामुराद रावण का कैरेक्टर करने वाले हैं, और भी बहुत सारे कलाकार हैं। तो जय श्री राम जी का नारा जो है, मैं सही बात सच में इस बात को मानता हूँ। ए भैया सुनो, कभी आपस में बात करोगे क्या, कभी हम भी तो बात करें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बधाई हो, और ये दोनों सुपरस्टार जो यहाँ पर मौजूद है, आने वाले ज़माने की फिल्में भी बनेगी, वेब सीरीज भी बनेगी, ऐसे तमाम लोगों का हम फिल्म इंडस्ट्री में स्वागत करते हैं, क्योंकि ऐसे ही रूटीन चलता है। कभी यश चोपड़ा भी ऐसे नए आए थे, राम गोपाल वर्मा भी नए आए थे, कभी संजीला भंसाली भी नए आए थे, आज आप 5 साल बाद आपके लिए भी लोग कहेंगे अरे यार उनके साथ हमने काम किया, देखो आज कहाँ हैं। तो
परमात्मा या प्रभु राम की कृपा सब पे बनी रहे, आप सब भी रहें। अब ये दोनों मुझे पूछ रहे थे कि 2023 में आप सुनील पाल पब्लिक को क्या दे रहे हो, मैंने कहा गाली गलौज। तो बोले गाली गलौज, मैंने कहा हाँ फिल्म का नाम गाली गलौज है, फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं है, साफ सुथरी फिल्म है, वो भी OTT पर आने वाली है और जल्दी आने वाली है, आप जरूर उसके लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। कॉमेडी फिल्म है, बहुत सारे कॉमेडियन आपके फेवरेट कॉमेडियन उसमें बहुत सारे दिखेंगे, आपको मज़ा आएगा। ये हमारी पाल फिल्म की चौथी प्रोडक्शन फिल्म है और मज़ा आएगा आपको। सुनील पाल जी, हम आज इस इतने अच्छे मौके पर सुनील भाई साथ में हैं, हमें भी काफ़ी खुशी हो रही है कि प्रभु राम के साथ सब लोग ऐसे ही जुड़ते जाएं, और मैं कोशिश करूंगा कि साथ में सबको जोड़ते जाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सभी लोग राम मंदिर अयोध्या के ऊपर काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, तो उनसे ही कुछ प्रेरणा मिला हमें भी, और हम भी सोचे कुछ हिस्सेदारी हमारी भी होनी चाहिए इसमें, उसको लेके हमने एक ज़बरदस्त सॉन्ग तैयार किया है। शायद सोए लोग जाग जाएं इस गाने को सुन के जी, और गाने के माध्यम से मैं जगाना भी चाहता हूँ कि जो सनातन को मानते हैं एटलीस्ट वो भी इसको सुन के, जो सुप्त अवस्था में बैठे हुए हैं वो कम से कम खड़े हो, और उम्मीद करता हूँ लोगों को ये गाना बहुत पसंद आएगा, देश के हर कोने कोने में ये गाना को लोग पसंद करेंगे, सुनेंगे और इस पर नाचेंगे भी। आप सभी की शुभकामनाएं और आप सभी का प्यार आशीर्वाद उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक छोटे बच्चे को अपनी माँ का दूध। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आप सब इतना ही प्यार दें, इतना लोगों तक पहुँचाएँ कि ये जो हमारा राम जी का गाना है उस गाने में कुछ बातें ऐसी कही गई हैं जो युवाओं को और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा दवाई का काम करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब इसको आगे बढ़ाएं, और कहीं भी किसी भी एंगल से हमने इसमें ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल मामला नहीं रखा कि किसी को भी दुख होगा या बुरा लगेगा या ऐसा कुछ होगा, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। जैसे सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, सच में ये युवाओं के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए, जिस तरह से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है उन सब चीज़ों के लिए एक सीख है, अच्छा सबक है और बहुत अच्छी बातें कही गई, एक प्रेरणादायक गाना, एक गायक गाना भी है। अब बस मैं यही आशा करूँगा कि हमने अपना काम कर दिया, बस आप लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए इसे बढ़ाने में, जन जन तक पहुँचाने में। मोदी जी से मैंने पूछा क्या कि आप जय श्री राम जी का नारा हमेशा लगाते हैं, आपके राजपाट में और उनके जय श्री राम के नारे में क्या समानता है? तो मोदी जी ने कहा मित्र हम दोनों में 14 का आंकड़ा कॉमन है। क्या बात, वो 14 वर्ष के बाद अपने राज में आए थे और हम 2014 में अगर ये जोक जिसके समझ में नहीं आया उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ये बात से बात निकलती कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि कोई ना कोई संबंध होता है हमारे हर किसी का, कहीं ना कहीं हम जैसे आज हमारे नसीब में था इनसे मिलना या हम सबको मिलना, तो एक योग बन जाता है, वरना कोशिश करने के बाद भी या चाह कर भी लोग किसी से मिल नहीं पाते। रात से बोल रहे आपको चौकीदार बना रहा है। चौकीदार चोर तो नहीं? राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की। जीटू ये जीटू जीटू क्या है, जीटू 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 का मत, जीटू का मतलब जनरेशन टू। भाई हाईलाइट ये है कि बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस को कि 2G घोटाला था, 2G घोटाला था, और कांग्रेस वाले बीजेपी को कहते हैं G2 घोटाला। अच्छा सुनील भाई जी, मैं बाकी पब्लिक की तरह आपका फैन हूँ, तो हमारा ये दिल नवाजी सीरीज स्टार्ट होने वाला है,
तो मैं चाहूँगा दो शब्द एक रतन नूरा के स्टाइल में हो जाए। दिल नवाजी तो हो सकती है लेकिन कोरा कोरा नहीं, कुछ चाहिए छोरा छोरा, तो भावनाओं को समझो, भावताओं को समझो और दिल नवाजी करो और ऐसे वेब सीरीज बनाओ कि हमको देख के नशा आ जाए, कहे साले दारू पी पी के तंग आ चुका हूँ। तो ऐसी कोई चीज़ बनाओ कि दारू के बिना भी नशा चढ़ जाए, जैसे मीडिया वालों को पता नहीं आज दोपहर में ही काहे का नशा चढ़ गया है, ये आपस में ही बात कर रहे हैं, हमारी बात समझ नहीं रहे। अब ये भावनाओं को समझो, जो हमारा नाम है रतन नोरा और मीडिया वाले तुमने हमको घूरा तो कुछ नहीं करूँगा, तुम हो हमारा छोरा छोरा और तुम्हारे लिए तो यही आशीर्वाद है कि तुम्हारा जीवन बने काशी और मथुरा और जो तुमको नज़र लगा वो सरव धतूरा। एक्चुअली आपको नशा ने कारण पीछे दिल नवाजी का पोस्टर लगा हुआ और उसका असर शायद आपने इनवाइट किया। थैंक यू कमाल, थैंक यू मेरे गुरुजी, हम सबके लाडले कॉमेडियन, कॉमेडियन के शान, कॉमेडियन के जान, कॉमेडियन के जहाँ से कॉमेडियन शुरू होता है उस यूनिवर्सिटी के करता धरता एक ही आदमी है सुनील पाल और मेरा भाई वेरी गुड राइटर डायरेक्टर। आज हम लोग आए हैं, एक बेहतरीन म्यूजिक पोस्टर लॉन्च है अजित दास की श्री राम। देखिए जय श्री राम, जितने भी हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो सभी के लिए एक ही बात है, जय श्री राम। और हमारे देश के सबसे लाडले प्रधानमंत्री, G20 हुआ है, पूरी भारतवर्ष गर्व महसूस कर रहा है जो भाई पूरी इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड से लोग जो आए हैं और ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो हमें मिला है और G20 पहली बार हुआ है हिंदुस्तान में और जिस तरीके से राम मंदिर बन रहे और जिस तरीके बहुत जल्द राम मंदिर बन के तैयार हो जाएंगे और ये फिल्म लोग देखें। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ, मैं दिल से कहता हूँ हर हर महादेव, जय श्री राम। और मेरी हर बोल में सबको पता है मेरा दो शब्द निकलते हैं हर हर महादेव, सभी को पता है और पूरी मीडिया को पता है और जय श्री राम तो भाई बोलना ही है, राम हमारा भगवान है। अगर हिंदुस्तान में तुम नहीं बोलोगे जय श्री राम तो कहाँ बोलोगे, पाकिस्तान में बोलोगे? तो बोलना ही पड़ेगा आप सबको अगर आप हिंदू हैं तो। तो थैंक यू सो मच, मेरे साथ में ताहिल कमाल खान है, एक बेहतरीन एक्टर है और एक खतरनाक दोस्त है, दोस्त का दोस्त, दोस्त का यार। एंड थैंक यू संजय भूषण, थैंक यू ऑल मीडिया, संजय भूषण मेरे गुरु है और मुझे बहुत आगे बढ़ाया है इन्होंने, थैंक यू ऑल मीडिया, थैंक यू सो मच। इनकी पूरी स्टार कास्ट, पूरी टीम, टेक्नीशियन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट सभी को मेरा नमस्कार है। ऐसी फिल्म बनाए, देश के लिए फिल्म बनाए, बहुत प्यारा फिल्म है और ऐसी फिल्म बनाएंगे, मैं चाहता हूँ ये फिल्म सुपरहिट होगा क्योंकि ये फिल्म 140 करोड़ जनता के लिए ये फिल्म है। तो मैं चाहता हूँ 140 करोड़ जनता ये फिल्म को देखे और इसको ढेर सारी प्यार दे और उसको हिट करे। बस शुभकामना दे रहे हैं कि जैसे भाई जी ने कहा, कि हम उनको लाएंगे जिन्हें राम को लाया है, पूरे देश में हमने तो भगवा लहराया है, पूरे देश में हमने तो भगवान लहराया है, जय श्री राम, जय श्री राम। तो बहुत बहुत शुभकामना है और कॉन्ग्रेचुलेशन अयोध्या के श्री राम और ये नया एल्बम। तो हम चाहते हैं कि हमारे भी जितने दर्शक हैं, सारे हमारे मीडिया से लेकर के सारे श्रोतागण सब इसको ना सपोर्ट करें और इसको देखें और इसका सराहना करें, क्यों और सब भाई सब एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो हम यही कहेंगे कि जैसे भाई लोग हमको सपोर्ट करते हैं उस तरह इस एल्बम, वेब सीरीज और सारे लोगों को सपोर्ट करें, हम सब एक साथ ही हैं, जय श्री राम। भाई बहुत दिनों के बाद मैं मुहूर्त में आया हूँ, थोड़ा आउट हो गया था, पूना चला गया था कुछ दिनों के लिए, तो मोबाइल से अक्सर मैं मुबारकबाद देता था, आज मुझे लाइव मुबारकबाद देने का मौका मिला है तो मैं मुबारकबाद देता हूँ।
डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे बड़ी मैं चाहूँगा कि मेरी दिली इच्छा है कि ये प्रोजेक्ट बने और बढ़िया ये लोग काम करें। जब कोई कंपनी खुलती है तो 100 लोगों की रोजी रोटी जागती है, और मैं यही शुभकामना करूँगा कि भाई वो प्रोजेक्ट चले, पिक्चर बने और लोगों को काम मिले। बस कल्याण जी जाना जब बंगाल से यहाँ ले सभी भाइयों को जय श्री राम, पूरे देश को जय श्री राम, जय श्री राम, हमने बोला जय श्री राम, जय श्री राम, पूरे देश को पूरे वर्ल्ड को जय श्री राम, नमस्कार। अब हम कह सकते हैं जय श्री राम कमाल का नारा है, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, ये टैगलाइन चलेगा। जवान फिल्म से जो है सभी लोग खुश है, खासकर नवाज खुश है, बोले कि मैं कहा आप इतना ज्यादा क्यों खुश है, बोले नवाज को उल्टा बोलो तो जवान होता है। तो आज की खास बात यह है कि संजय भूषण जी और सभी मीडिया भाइयों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, आप सबका जीवन बहुत अच्छे से रहे। हमारे कल्याण जी जाना, सुनील पाल साहब की तारीफ कल्याण जी ने करी दी है, इनकी जितनी भी तारीफ करो कम है, कम है, सही बात, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं कि हर किसी के सुख दुख में हर तरीके से हमेशा तात्पर रहते हैं। तो हमेशा आपको आदर प्रणाम सर, आप हर किसी के सही काम में आगे बढ़ते हैं और हाथ बढ़ाते हैं। और ख़ास बात आज की ये है कि अयोध्या के श्री राम नीरज जी ने ये कोशिश की है, और माधव जी जो इसके निरंजन जी ने एक ये शुरुआत की है अयोध्या के श्री राम। तो जैसे इसका नाम रखा है अयोध्या के श्री राम, ये वैसे ही अपने आप में ये प्रोजेक्ट मतलब 1,000 करोड़ का हो जाएगा। जवान के ऊपर तो भी बिजनेस करते हैं 100% जवान के ऊपर ही भगवान दे इसका जवान पर जवान जैसी ताकत दे। सुनील जी को नारद मुनि का वो मिला मुझे, मैं वहाँ पे करने वाला हूँ। वो जो करेक्टर है, इतना प्यारा करेक्टर है जिसको ये बहुत अच्छे से निभा सकते हैं बेशक। और मैं नारायण नारायण नहीं बोलूंगा, उदित नारायण, आदित्य नारायण। तो इसकी सारी स्टार कास्ट को और इससे जुड़ी हुई पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं कि उनका जीवन इंडस्ट्री में खूब सारा नाम कमाए, खूब सारे वो दौलत कमाए। आजकल के जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म, अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिससे आदमी पूरे वर्ल्ड में ख्याति पाता है। तो सिनेमा पे करियर बनाना आजकल के ज़माने में जो है बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं फिल्में 1,000 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं। पहले क्या होता था, बिहार से, पंजाब से, कहीं से भी आके, एक गैर परिवार से आके इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेता था। आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह से नए लोग संघर्ष कर रहे हैं या नए लोगों को ख़ास करके प्लेटफॉर्म देना चाहिए हर तरीके से, हर फील्ड में, क्योंकि जब विराट कोहली जाएगा या महेंद्र धोनी जाएगा तभी तो शिवम गिल आएगा या रिंकू सिंह आएगा। तो इसी तरह से क्या है कि सबको मौका मिलना चाहिए अपनी प्रतिभा दिखाने का, सबको काम मिलना चाहिए। तो बस यही मेरी दुआएं हैं। और गौतम अडानी भी आ चुके हैं हमारे बीच में, ये पिक्चर खूब नाम कमाए। और ये जो दिल नवाजगी जो वेब सीरीज है, इसके लिए भी बहुत सारे गरीबों के गौतम अडानी आ चुके हैं। इसी के साथ मैं दोस्तों अपनी बात को समाप्त करता हूं, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय श्री राम, जय श्री राम। सुनील पाल के बारे में तो बता दीजिए, क्या बोलूं, जय श्री राम बोल दो, काफी जय श्री राम, वाह, बहुत नहीं काफी जो कर रहे हैं सबके लिए बहुत अच्छा चीज है। और सुनील भाई हैं, सभी लोगों ने दोस्त हैं, ये घर का है और इसको स्टार्टिंग किए हैं। मतलब जब जय श्री राम का नाम है तो ये बल्ले बल्ले होगा ही होगा, वाह। और शुभ खबर में हम भी आपको और बुलाएंगे, अभी एक मोदी जी का ऊपर में पिक्चर बना रहे हैं, मोदी जी को मैं मिल रहा हूँ, उनको निमंत्रण आ गया मेरे को, तो उन्हीं का पर एक पिक्चर भी बन रहा है, आएगा ही मोदी फॉर RSS BJP, वाह। तो ये 2024 में मतलब जनवरी में रिलीज होगा, तो ये भी उनके साथ में जड़ित है, ये सब कनेक्टिंग है, हम लोगों ने एसोसिएट हैं, सभी आदमी एसोसिएट्स हैं और कलाकार हैं और
ये सब चीज़ को आगे बढ़ाना है। मैं एक ब्यूरोक्रेसी हूँ, ब्यूरोक्रेसी होने के बाद में भी मेरे को मेरा एक पैशन है कि मतलब एक्टिंग में आना और सभी से मिलना, और इस ये चीज़ को मेरा मित्र हैं, भाई हैं, ये संजय जी हैं, सभी आदमी हम लोग उन मित्र और भाई हैं, इसको लेके कैसे आगे बढ़ाना है। और आपका कोऑपरेशन चाहिए, मीडिया को थैंक यू, और सभी लोग जो आए हैं उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। मोदी जी पर मोदी जी का जो ए टू जेड लोग बोलते हैं मोदी जी पढ़ाई लिखाई का मामला गड़बड़ है, तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। मैंने उनसे पूछ लिया था कि ए टू जेड जैसे हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट बोलते हैं, तो मोदी जी ने कहा नहीं वो तुम लोगों के लिए होगा, मेरी पढ़ाई खास हुई है। अब उन्होंने ए टू जेड का कैसे मुझे मतलब बताया, क्या बात मित्र, ए फॉर अच्छे दिन आएंगे, बी फॉर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी फॉर सेंट्रल विस्टा 56 इंच का सीना, डी फॉर ड्रेस बदलो, ई फॉर इलेक्शन लवर, एफ फॉर फॉरेन टूर ऑलवेज आईलैंड, जी फॉर G20 गौतम अडानी गुजरात टू दिल्ली, एच फॉर हिंदू मुस्लिम मुद्दा, आई लाइक हिंदू मुस्लिम बिकॉज आई लाइक हिंदू राज, आई फॉर इंडिया बना भारत, क्या बात है, अभी बीजेपी वालों को आप इंडिया बोलो तो बुरा लगता है उनको, इंडिया बना भारत, जे फॉर जॉबलेस झूठा जुमला, के फॉर कमल का फूल,